तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट वर्सेस जावा के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, जावा और जावा स्क्रिप्ट अलग अलग लैंग्वेज है, या कई लोग बोलते हैं कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों सेम लैंग्वेज हैं। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, एक जावा लैंग्वेज होती है जो कि हम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, एंड एक जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जो कि मोस्टली फ्रंट एंड में यूज होती है। बट अभी क्या है, बैक एंड में भी हम यूज़ करने लगे हैं जावा स्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जावा एकदम अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एकदम अलग लैंग्वेज है। दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप इस चीज़ से कन्फ्यूज हो रहे हो कि दोनों सेम ही है, तो दोनों एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। और आप ये अगर सोचते हो कि नहीं, जावा स्क्रिप्ट आने से पहले मुझे जावा आनी चाहिए या जावा आने से पहले मुझे जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। आप डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो, आप डायरेक्ट जावा सीख सकते हो। बट द थिंग इज हियर कि अगर आपको जब कोडिंग का नॉलेज होता है, कोडिंग का बेसिक पता होता है, तो आपको अदर लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि आपका अगर कंसेप्ट सी में क्लियर है तो सी प्लस प्लस इजी सीख जाओगे, जावा अगर क्लियर है तो जावा स्क्रिप्ट आप इजी सीख जाओगे। तो उसमें होता क्या, बेसिकली जो सिंटैक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, डू वाइल हो गया, वाइल लूप हो गया, तो ये ऑलमोस्ट आपको सारी लैंग्वेज में सेम मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पे चेंज होता है, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर करके वहाँ पे चलनी पड़ेंगी। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली, एंड मोस्टली जो जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है वो वेब डेवलपमेंट में होता है। और जावा का तो आपको पता ही होगा, आई थिंक कि हम ज़्यादातर कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें, तो वहाँ पे ये जावा का यूज़ होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जावा सीख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, या सी प्लस वाले, या कोई और एडवांस लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कोडिंग के। आपको मज़े आते हैं फिर सीखने में, और काम करने में भी ईजी होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग में जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको 90-95% मिल जाएंगे। एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे नीचे पड़ा जो जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा शॉर्ट लिस्ट होने में। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।